अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ कंप्लीट हो चुका और हमने उसको ड्रॉ किया। उसके बारे में हमने कल के शो में बहुत सारी बातें भी की, लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारे जो लोग हैं, जो बहुत मैनेजमेंट पोजीशंस पे हैं, बॉलिंग कोच हैं, आपके हेड कोच हैं, उन सब की परफॉर्मेंसेज काफ़ी क्वेश्चनेबल हो गई हैं पहले टेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया के साथ ड्रॉ के बाद। बिकॉज हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भी श्रीलंका के साथ जो हमने टेस्ट मैच सीरीज़ खेली थी वो भी हमने 2-0 हारी थी। लेकिन कहने की बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो जीत थी उसने बहुत सारी बुरी परफॉर्मेंसेस को जो है वो पर्दे में डाल दिया था। हमने देखा है कि हमारे बॉलिंग कोच अजहर महमूद साहब टीम के साथ हिस्सा हैं और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमने रिकॉर्ड नंबर ऑफ रन्स कंसीड कर रही थी हमारी साइड, लेकिन क्योंकि हम चैंपियंस ट्रॉफी में जीते तो उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो दब गई और उनकी जो नेगेटिव परफॉर्मेंसेस थी वो सामने इतनी नहीं आई। हम हेड कोच की बात कर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हमें दिखे हैं उनके और सिलेक्शन कमेटी में। दो टेस्ट मैचेस के लिए 18 प्लेयर्स का सिलेक्ट होना और फिर बहुत सारी सिलेक्शंस, जैसे हमने देखा कि वहाब रियाज की सिलेक्शन एक बड़ा क्वेश्चन बनी कि वो फर्स्ट टेस्ट में क्यों खेले, और हमने एक ये भी चीज़ देखी है कि स्पिनिंग ट्रैक्स पे हमारी परफॉर्मेंसेस उतनी अच्छी नहीं हो रही। क्या वजह है कि स्पिनर्स हमारे स्क्वाड में नहीं आ रहे? ये सारे प्रॉब्लम्स और ये सारे बड़े बड़े लोगों की परफॉर्मेंसेस पे क्वेश्चन हम इसलिए आज के शो में कर सकते हैं बिकॉज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ आज हैं वो पाकिस्तान के 2 बार चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं, नेशनल सेलेक्शन में वो 8 बार रिकॉर्ड टाइम सेलेक्शन के मेंबर रहे। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर सलाउद्दीन सलू साहब। सलाउद्दीन साहब, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से जो है वो बहुत सारी परफॉर्मेंसेस ढक गई। उसमें अगर हम सबसे पहले एनालाइज करना चाहें अजहर महमूद साहब की परफॉर्मेंस को, ये टेस्ट मैच हमने देखा 140 ओवर्स करवाने के बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की बी साइड को भी आउट नहीं कर पाई और आखिरी दिन हमें सिर्फ 7 विकेटें चाहिए थी, हम नहीं ले पाए। कैसे देखते हैं आप बॉलिंग कोच की परफॉर्मेंस को? देखिए, पहले तो आपने बड़ी अच्छी बात की है उसमें कि बहुत सारी चीज़ें जब फतेह होती है तो बहुत सारी चीज़ें दब जाती हैं, लेकिन मेरा मानना ये है जहाँ आप हार से 10 चीज़ें सीखते हैं वहाँ आप जब जीतते हैं तब भी 10 चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की जैसे आपने फरमाया कि उसके बाद से वो जो कोताहियाँ थी वो दब गई, उस पर वर्क नहीं हुआ। तो जहाँ तक बॉलिंग कोच का ताल्लुक है तो बहुत बड़ा सवाल यह निशाना है कि इनके ऊपर, कि इसलिए कि देखें आप, जैसे आपने कहा था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड करा दिया था इंग्लैंड में इन्होंने 441 रन करके, उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि 5वें दिन तो सबसे ख़राब खेलती है विकेट, सही बात, और इनके स्पिनर्स ने वो नहीं किया जिससे कवाकात वावस्था थी। जैसे पहली इनिंग में आपने देखा यासिर शाह, हमारा ट्रम्प कार्ड जिसे हम कहते हैं, वो विकेट लेस रहा और आउट किए तो बिलाल आसिफ ने आउट किए, आप 6 आउट किए। उसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ कि उसके होता ये क्रिकेट में जब नया कोई प्लेयर आता है तो उसकी फुटेज नहीं होती आमतौर से मुखालिफ टीम के साथ जो मध्य मुकाबले होते हैं, तो वो उसको रीड करना ज़रा मुश्किल है। हाई आर्म एक्शन है, बॉलर बहुत अच्छा है, तो ही गॉट 6 for 36 और मोहम्मद अब्बास की जितनी तारीफ की जाए कम है कि उसने 4 for 29 और दूसरे इनिंग में भी आपने देखे उसने आपको ब्रेक थ्रू दिला दिया था बिल्कुल सही, लेकिन बीच में वो आप नहीं कर सके काम जो पहली इनिंग में किया था जैसे, और जाहिर है इसके में उनकी भी तारीफ की जाए जितनी कम है ऑस्ट्रेलियंस की, कि उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खास तौर से ख्वाजा ने बहुत, उस्मान ख्वाजा ने बड़ी शानदार बैटिंग की 141 और उसके साथ 76 उसने किए हेड ने, जो कि मेरे ख्याल में डिब्यूटेंट है वो भी है, और दूसरा कप्तान जो है उसने मार्कतुल आरा इनिंग इसलिए खेली कि ये तो उसने 61 नॉट आउट, लेकिन वो टीम को बचा ले गया। और मेरे ख्याल में, हो सकता है आप मुझसे मुत्तफिक हों, उनका ये ड्रॉ करना भी उनकी जीत है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात है। आखिरी दिन सरोजिन साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो उतना अग्रेसिव नहीं दिखी और उतना यू नो इंटेंट नहीं दिखा विकेट लेने का? हम ये सोचते रहे कि वो विकेट खुद कंसीड करेंगे, जैसे पहली इनिंग्स में हो गया था, हमने जल्दी 6-7 विकेट आखिर में ले ली थी। सो डू यू थिंक कि वो एलिमेंट भी आपके लिए नेगेटिव गया? वो इसलिए गया कि देखिए, आपने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ ये फील्ड नहीं होती रखी हुई थी, ये नहीं, ये जैसे अंडरवुड आपको याद होगा एक बॉलर होता था इंग्लैंड का, वो मीडियम पेस, जैसे चंद्रशेखर मीडियम पेस गेंद राइट आर्म थे, ये लेफ्ट आर्म था, तो एम्ब्रेला फील्ड कहते थे उसको, वो फील्ड होनी चाहिए थी। अब आपका इतना बड़ा हदफ था, तकरीबन 500 रन का तकरीबन हदफ था, 400 कुछ का, और 5वां दिन का गेम जिसमें देखिए बीच में तो विकेट ठीक थी, ठीक है, सही है, लेकिन जहां बॉलिंग मार्क बन गए थे ना फैसल साहब, उसको यूटिलाइज नहीं किया, इसलिए कि बॉलिंग मार्क जब बन जाते हैं तो रफ हो जाता है, जब रफ हो जाता है तो गेंद ग्रिप लेता है, जब ग्रिप लेता है तो गेंद ऊंचा भी आता है, पहले इनिंग में आपने देखा। लेकिन उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बिलाल आसिफ को शॉर्ट आउट कर लिया, उसको 1 विकेट नहीं दी उन्होंने, बिल्कुल सही। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखें तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलियंस का
बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रेलियंस को भी। वेरी ट्रू। आप सरप्राइज है सलाउद्दीन साहब के 18 प्लेयर्स हमने सिलेक्ट किए, पहले 17 किए, फिर हफीज़ को टीम का हिस्सा बनाया, और शायद अगर हम एशिया कप में एवरेज परफॉर्मेंस भी देते तो हफीज़ टीम का हिस्सा ना होते। सो आपको लगता है कि एक तो 18 प्लेयर्स का सिलेक्ट होना सिर्फ दो टेस्ट मैचेस के लिए बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं, फिर आपने शादाब और T20 के जो अच्छे परफॉर्मेंस हैं या ODI के अच्छे परफॉर्मेंस हैं उनको आप टेस्ट क्रिकेट का हिस्सा डायरेक्टली बना देते हैं, वो भी थोड़ा सा आपको लगता है कि गलत है, या आपको लगता है कि हम सही ट्रैक पे हैं? मैं फैसल साहब ये समझता हूँ कि मोहम्मद हफीज़ अगर मैं बहसियत एक्स चीफ सेलेक्टर बात करूँ तो मैं उसको टीम में ज़रूर रखूँ टेस्ट क्रिकेट में और ODI में। 2020 का मैं दो दफ़ा सोचूँ ज़रूर, लेकिन ये क्या ऐसा वाहिद प्लेयर है कि इसमें टेक्निकली साउंड है? सही है। और आप इतने दिन के बाद लाए, आपको उसको पहले खिलाना चाहिए था, तो ये इंज़मामुल हक का फैसला, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको। सही है। दूसरा उसको ऑफ स्पिन का भी एडवांटेज है, फील्डर वो बहुत अच्छा है। सही बात। तो अब आप अगर देखें, और इमामुल हक ने भी प्रूव किया, और पहले इनिंग में अगर आप गौर करें तो 205 रन की पार्टनरशिप हुई, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। वेरी ट्रू। आपने बुनियाद उन्होंने बहुत अच्छी रखी। उसके बाद जो जैसे असद शफीक ने किया आके, हारिस सोहेल ने अच्छी बैटिंग 110 रन की। लेकिन आपको सरोदीन, आपको लगा कि जो बाकी प्लेयर्स थे 205 रन का स्टैंड मिलने के बाद बाकी प्लेयर्स को थोड़ा तेज खेलना चाहिए था, आपको लगा कि थोड़ा सा, जैसे हमने देखा अजहर अली 80 बॉलों पर 18 रन किए, थोड़े से हम नहीं, वही मैं ये देखिए, ये मैं आपको बताऊँ कि इसमें मिकी ऑर्थर पे बहुत क्वेश्चंस मैं भी समझता हूँ कि उस पर उंगली उठानी इसलिए चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जिसमें सेशन बाई सेशन हिकमत अमली होती है। सही है। जिसे आपको स्ट्रेटजी कहते हैं। ठीक है फैसल साहब, तो आप सुबह जाते हैं तो आप लंच तक क्या करना है वो कप्तान वो बताता है, इम्प्लीमेंट करना कप्तान का काम होता है, बल्कि दोनों मिलके करते हैं। अच्छा, मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई, मैं आपसे मुत्तफिक इस वजह से हूँ कि हम वो प्रेशर नहीं डाल सके उन पे, जैसे इतने ज़्यादा रन थे हमारे पास और चौथी इनिंग ऑस्ट्रेलिया को खेलनी थी, तो हमें तो उनको इतना प्रेशराइज कर देना चाहिए था कि वो गलतियाँ करके आउट होते। हम बिल्कुल बीच में गेंद खिला रहे हैं, जाहिर है वो पिच ठीक थी, लेकिन क्रेडिट जाहिर है उनको जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मैच हमें जीतना चाहिए था। बिल्कुल सही बात। और फिर आप आखिर के 10 ओवर में हम दो आउट नहीं कर सके, आउट हो ही गए उनके, बिल्कुल सही बात, आउट हो गए थे उनके, तो ये चीज़ें सब लम्हे फिक्रियाँ हैं। इसलिए कि बॉलिंग कोच का सबसे ज़्यादा इसमें दखल ये है कि आप स्ट्रेटजी बताएं ना भाई कि किस तरफ गेंद करना है, किस प्लेयर को किधर गेंद करना है, ये तो सब बैठ के आपको वीडियो पे दिखाया जाता है कि ये प्लेयर, मैं इसमें आपको एक मिसाल देता चलूँ छोटी सी, हमारे साथ लीग क्रिकेट में एक ऑस्ट्रेलियन ही था, उसका नाम था बॉब मैसी। सही है। अच्छा, बॉब मैसी ऐसा था कि उसका मैं अनबिलीवेबल स्विंग करता था। खालिद इबादुल्ला साहब 18 साल वॉरिकशायर से खेले, कहना सलाउद्दीन मैंने इतना अच्छी स्विंग करते हुए दुनिया में किसी को नहीं देखा, 18 साल जो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं वो दुनिया के प्लेयर को खेलता है। सही है। हमारे सादिक मोहम्मद हमारे साथ खेलते थे दूसरे क्लब से, तो पहला मैच खेला उसने 28 रन पर पूरी टीम को आउट कर दिया, 10 आउट किए, वहाँ से ऑस्ट्रेलियन ने उन्हें बुला लिया। सही है। सीधा खेले, और मैं वजह बता रहा हूँ उसका, जो नुक्ता है बॉटम लाइन वो ये है कि वहाँ से बुलाया और लिली के साथ नया गेंद कराया उसको, उसने 16 आउट किए, सोचे अंग्रेजों के, इंग्लिश टीम को उसने खेलने नहीं दिया, लेकिन फिर उन्होंने नया ये VCR आया था, उन्होंने बैठा के दिया है कि किस एक्शन से गेंद बाहर निकलती है, किस एक्शन से अंदर आती है, आप बिलीव करें कि वो विकेट लेने को तरस गया और फेड आउट हो गया। यही इन्होंने जो मिसाल दी, के साथ आपने जो मिसाल दी, हम देखा जाए तो अभी भी जो है परफॉर्मेंस को ये लोग यू नो क्रेडिट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो पीटर सिडल है, उन्होंने कमबैक किया है, उन्होंने काउंटी में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो टीम का हिस्सा बने, और हमने देखा कि उन्होंने कितनी यू नो हार्ट आउट बॉलिंग की और पाकिस्तान को दबा के रखा, उन्होंने 2 रन से ज्यादा कंसीड नहीं किया उन्होंने पर ओवर। लेकिन आप थोड़े सरप्राइज थे कि जिस तरह वहाब रियाज ने बॉलिंग की वो बिल्कुल ही तैयार ना दिखे, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि उनकी जगह जुनैद खान की बनती थी। सो क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका इसमें? देखिए, जुनैद खान ने जो पिछले मैच में इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप में 4 विकेट, उसमें थोड़ी सी ग्रास थी विकेट पे। सही है। और ये कंडीशन आप मानेंगे एक बात, फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार नहीं है। सही है। जहाँ इसमें मैं तारीफ करता हूँ इंज़मामुल हक की, बेहतरीन सिलेक्शन हुआ वहाँ पर, जब आप चैंपियंस ट्रॉफी इसमें गए थे 2020 जो आप हार गए मैचेस, उसमें आपने देखा 6 फास्ट बॉलर भेज दिए थे एशिया कप में, एशिया कप में जी। उसमें 6 फास्ट बॉलर्स को भेजना सही नहीं था, वजह ये थी कि ना ही मौसम ऐसा है जो विकेट पे वो करे, ना ही पिच ऐसी है। इस पिच पे भी मोहम्मद अब्बास ने बेहतरीन गेंदें की, सिडल का नाम लिया आपने, सिडल ने 3 आउट किए 58 रन पे, उसने पूरी जान मारी। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, अलग थोड़ा हट के बता रहा हूँ आपको, कि टीम जैसे ऑस्ट्रेलिया जाती है तो हम उनको देखते हैं जो बाउंसी ट्रैक्स पे अच्छे हों,
वेरी फास्ट बॉलर, वेरी ट्रू। इंडिया जा रही है वहाँ स्पिनर्स को देते हैं, कौन अच्छा खेलता है स्पिनर कौन। आपको लगता है सलाउद्दीन साहब ये चीज़ लैकिंग है, मतलब ये आपसे हम पूछेंगे एक ब्रेक पे जाना है कि क्या ये चीज़ लैकिंग है पाकिस्तानी सिलेक्शन में कि वो कंडीशंस को, हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हम ज़्यादा ये चीज़ करना शुरू हो गए कि कंडीशंस कोई भी हो हमें 4 या 5 पेसर्स चाहिए और हमारा बॉलिंग कोच भी जो वो मीडियम पेसर है। सो इसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन, हमारे साथ हैं सलाउद्दीन सल्लू साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की सिलेक्शन जो है, प्लेयर्स की जो सिलेक्शन होती हैं किसी भी टूर्नामेंट के लिए या किसी भी सीरीज़ के लिए, वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो गई, इन द सेंस कि हमने देखा कि जब एशिया कप था सब ने यही कहा कि 6 पेसर्स को खिलाना जो है वो डिडंट साउंड ग्रेट, बिकॉज हम देख रहे थे कि कंडीशन जो है वो स्पिनर्स के लिए फ्रेंडली होंगी। यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट में भी हमने देखा कि वहाब रियाज अचानक से टीम का हिस्सा बने, लेकिन हमें लग रहा था कि जुनैद खान या कोई और प्लेयर टीम का हिस्सा बनना चाहिए था। सलाउद्दीन साहब आप सेटिस्फाइड हैं जो हम सिलेक्शंस कर रहे हैं? जो बात कह रहे हैं, देखिए 6 पेसर्स को भेजे, उसकी उन्होंने वजह क्या बताई थी कि वहाँ बड़ी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है फास्ट बॉलर और वो अनफिट भी हो सकता है, तो ये जवाब हुआ नहीं मेरे ख्याल में, कि ये बात नहीं है प्रोफेशनल क्रिकेट। आपको मैच कौन जिताएगा ये आपने देखना है, आपको ये देखना है। दूसरा प्रोफेशनल क्रिकेट में ये नहीं होती है कि गर्मी ज़्यादा है सर्दी ज़्यादा। अब इंग्लैंड में अगर फर्स्ट हाफ में करें, आप बिलीव करें कि इतनी सख्त सर्दी होती है लेकिन आपको खेलना पड़ता है, वो यूज टू होते हैं। सर साहब आपको एक चीज़ ये भी लगती है कि क्योंकि आपका बॉलिंग कोच भी मीडियम पेसर है, सही है मीडियम पेसर थे और वो स्पिन इतनी अच्छी खेलते भी नहीं थे, और हमारे जो डोमेस्टिक सर्किट है उसमें भी एक तो कोई देखता नहीं है कि डोमेस्टिक में क्या हो रहा है, स्पिनर्स जो आते हैं उनके हम देखते हैं कि एक्शंस रिपोर्ट हो जाते हैं और स्पिनर्स हमारे रैंक्स में कोई अभी दिख भी नहीं रहे, और जो परफॉर्म कर रहे हैं हमने देखा काशिफ भट्टी ने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी, उन्होंने 89 विकेट्स लिए हैं कम्पेयर टू बिलाल आसिफ। काशिफ भट्टी की परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग है लेकिन वो परफॉर्मेंसेज को कोई देखने वाला नहीं है ना उसको क्रेडिट करने वाला है। सो आपको लगता है ये सारी रीजंस बनती हैं कि आपके अच्छे स्पिनर्स नहीं आ रहे और स्पिनर्स को हम यू नो सेलेक्ट करना भी नहीं चाहते? हाँ स्पिनर्स नहीं आ रहे आपके, और ये काम है एकेडमी का, लाहौर में जो एकेडमी है उसके जो डायरेक्टर हैं उनका काम है ये है कि देखिए आपके पास जेन्युइन ऑफ स्पिनर है ही नहीं, सखलैन के बाद आपके पास ऑफ स्पिनर नहीं आया, मेक शिफ्ट ऑफ स्पिनर है, जैसे आपने हफीज़ से करा दी इज आर बेटर बैट्समैन देन अ बॉलर, आपने शुएब मलिक से करा दी इज आर बेटर, भी यही कहते हैं कि वो ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर। अच्छा मैंने फिलहाल आसिफ के बारे में ये कहा जाता है ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर। अच्छा मैंने देखी नहीं उनकी बैटिंग इतनी, लेकिन उन्होंने गेंद अच्छे किए, एक तो हाई आर्म एक्शन है, खुद ब कद भी उनका लंबा है तो वो जरा ठीक है, और सीधा गेंद भी वो सही रखते हैं, सही है। देखिए ये चीज़ें देखना पड़ती है। लेकिन सर आपको लगता है कि अगर एक कोई स्पिनर आपके रैंक्स में होता मैनेजमेंट में तो वो ज़्यादा हेल्प कर सकता है इन बॉलर्स को, यासिर शाह को और बिलाल आसिफ को, टू टेक मोर विकेट्स इन दीज कंडीशन? या मेरे ख्याल में बजाय एक फास्ट बॉलर खिलाने के, अगर ये मोहम्मद नवाज़ भी मुझे पसंद है इसलिए कि नहीं कि बहुत बड़ा टर्न करता है, टर्न नहीं वो है फिंगर स्पिनर, जो फिंगर स्पिनर उसका लाइन और लेंथ कंट्रोल होती है काफ़ी, जब कंट्रोल होती है जब आपको रन नहीं मिलते तब तो आप गलत शॉट खेलते हैं, तो उसको आप शॉर्ट फॉर्मेट में खिलाते हैं। अब शॉर्ट फॉर्मेट की बात आ रही है, जैसे एरन फिंच को आपने लिया, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग, आउटस्टैंडिंग बैटिंग इसलिए मैं कहूँगा कि उसने अडाप्ट किया टेस्ट क्रिकेट को, तो वो शॉर्ट फॉर्म के क्रिकेट का प्लेयर है ना, बिल्कुल, लेकिन वो स्टे किया उसने उस पर विकेट पे, और फिर उसी के साथ जैसे उस्मान ख्वाजा ने आपने देखा 85 पहले उसमें किए, 141 दूसरे में किए, तो इनको भी बहुत अच्छा मिल गया था फाउंडेशन पहले, उसमें बुनियाद बड़ी अच्छी फराहम की थी इनके ओपनर्स ने, लेकिन इनकी जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग की वो नहीं, लेकिन दूसरे साहब एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, सरफराज ने जब पोस्ट एशिया कप उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा भी पैनिक बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें सही हैं, लेकिन हमने देखा है कि अब आपको लगता है कि ये सिचुएशन आ गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी बहुत पुरानी बात हो गई और जितना आप हार चुके हैं अब पैनिक बटन दबना चाहिए, अब आपने जो आपके कोच हैं आपके सिलेक्टर हैं दे हैव टू गेट देयर एक्ट्स राइट, वरना जो है बहुत देर हो जाएगी और आप अब आप यू नो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस को मजीद इग्नोर नहीं कर सकते, और कब हम चेंजेस देखेंगे, हम कब तक ढोल बजाते रहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी पे? अब इन्हें देखना ये चाहिए जो आप कह रहे हैं कि भाई देखो आप नया स्पिनर कोई अच्छा ढूंढ के लाएं, जैसे ये लड़का आया है अब इसको और चीज़ें बताना पड़ेंगी कि फ्लाइट दो, क्रीज यूज करते हैं तो कभी विकेट के करीब से करते हैं कभी जैसे आपने कहा रफ यूज करते हैं है ना, तो कभी राउंड द विकेट आ जाते हैं, तो मैंने ये सखलैन को बताई थी, मुझे परवेज सज्जाद साहब ने बताई थी, बड़ी अच्छी बात थी। देखिए क्रिकेट है कॉन्सेंट्रेशन का गेम, तीन चीज़ें होती है ना कि आपके पूरी तवज्जो मरकूज हो फोकस हो उसे कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा एप्लीकेशन जैसे उस्मान ख्वाजा खड़ा ही रहा विकेट पे, ये एप्लीकेशन है,
जैसे हनी मोहम्मद साहब 16 घंटे थे। सर जी, आपको लगता है कि पाकिस्तान ने एक वर्कआउट भी नहीं किया? हमने देखा कि उस्मान ख्वाजा जो पहली इनिंग्स में भी अच्छा खेले, वो 85 रन्स किए उन्होंने, दूसरे इनिंग्स में भी हमने कोई, हमारे पास प्लान नहीं था कि वो कैसे आउट होंगे, बस हम ये उम्मीद करते रहे कि वो खुद ही आउट होंगे। सो डू यू थिंक एक चीज़ ये भी गलत है? ये गलत है ना, देखिए मैं वो पहले अर्ज कर चुका हूँ ना कि हिकमत अमली गलत थी। आपको हिकमत अमली बनाता है चीफ हेड कोच, सही है। अच्छा, वो बैठे मुस्करा रहे हैं, उनके चेहरे से लग ही नहीं रहा था कि कोई उनको तकलीफ है या क्या है। ये तो आपको मैच जीतना चाहिए था और उन्होंने ड्रॉ करके ये साबित कर दिया कि एक तरीके से जीत गए वो, सही है। किसी को भी पाकिस्तान में उम्मीद नहीं थी कि हम आउट नहीं कर सकेंगे उनको। जो आप बात कर रहे हैं हिकमत अमली होना चाहिए, उसका फौदान नजर आया। आपकी अगर सरफराज की कप्तानी की बात की जाए, आपको लगता है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग कैप्टनसी थी, आखिरी दिन अटैक ना करना? और हाँ, वो उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि थोड़ा सा वो हुआ और फिर हमारे बॉलर्स ने भी वो नहीं किए, लेकिन बात ये है कि कप्तान, लेकिन सर मैं तो सरप्राइज था उनकी पोस्ट मैच सुन के। वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है, आपने देखा कि मैच ड्रॉ होते होते हम जीतने की पोजीशन में आ गए थे, सो क्या हमने दिन ये स्टार्ट सोच के किया था कि ये मैच ड्रॉ होने वाला है? ये अगर क्लियरली सेड इट, उन्होंने कहा कि मैं, आप देखें कि मैच ड्रॉ होते होते हम जीतने की पोजीशन में चले गए। फिर ये नेगेटिव थिंकिंग है ना। सो हम क्या, हम सुबह ये इमरान खान, इमरान खान में ये होता था कि उसमें एक जो तीन चीज़ें बताई ना मैंने आपको, एक कॉन्सेंट्रेशन, एक एप्लीकेशन और एक डेडिकेशन, हिम्मत हौसला कि हमें जीतना है मैच, वो चीज़ नज़र नहीं आई। तो सरफराज को भी ज़ाहिर है सीखेंगे इस चीज़ से, लेकिन ये है कि अभी उनके अलावा मुझे कोई और कप्तान ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो मतलब टीम को लेकर चल सके। और अब इतने दिन से वो जानते हैं, और देखिए कप्तान जो होता है, कप्तानी अलग चीज़ है और क्रिकेट खेलना अलग चीज़ है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जब कप्तानी सौंपी गई पाकिस्तान की तो देवर निल, आप बिलीव करें 80-80, 100-100 टेस्ट खेले हुए, लेकिन जब कप्तानी आपने दी तो इंटरनेशनली भी हमने देखा है, सचिन तेंदुलकर मिसाल के तौर पे आप मिसाल दे दें अब्दुल हफीज कारदार साहब की, आप देखें कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं थे उस जमाने। दो वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, हनीफ मोहम्मद साहब और फजल महमूद साहब, उन दो से वो मैच जिता देते थे बड़ी बड़ी टीमों से। तो कप्तानी ये देखना होती है। मुझसे हनीफ मोहम्मद साहब ने आउट कराया, मुझे तो कुछ 18 साल का था, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने जहाँ कहा प्लेयर वहीं आउट हुआ। तो क्रिकेट की समझ अलग है, क्रिकेट खेलना अलग है। जो आप बात कर रहे हैं वो सरफराज को सीखना चाहिए, नफ्सियात का माहिर होना चाहिए एक तो कप्तान, कि किस प्लेयर से हमें किस तरीके से उसका पूरा परफॉर्मेंस निकालना है, या डांट के निकालो, या इंसेंटिव दे के निकालो, या उसको हौसला अफजाई करके निकालो। आमतौर से आपको लगता है सर कि सरफराज को उतनी बैकिंग नहीं मिल रही प्लेयर से जितनी उनको चैंपियंस ट्रॉफी तक मिली थी? आपको लगता है कि थोड़ी सी रिफ्ट है टीम में भी? रिफ्ट तो मैं नहीं समझता, लेकिन वो नहीं, सपोर्ट नहीं मिल रही जो मिलना चाहिए। देखिए पहली इनिंग में इन्हें फील्डर्स ने बॉलर्स को सपोर्ट किया, आपने गौर किया तो वो कितनी जल्दी, और क्लोज इन फील्डर्स खास आसर शफीक और ये दूसरे खिलाड़ी थे, इन्होंने ऐसे ऐसे कैचेस किए जो अनबिलीवेबल थे। जैसे आप ऑस्ट्रेलियंस को देख लें, साउथ अफ्रीकन को देख लें, इंग्लैंड को, बड़ा रेयर चांस होता है कि कहीं कैच छूट गया। उनके आम बॉलर होते हैं, कोई बहुत बड़े बॉलर नहीं होते, वो बॉलर ख़त्म हो गए ट्रूमैन स्टेथम वाले, लेकिन करता क्या है कि फील्डर एक ऐसा रन आउट कर देगा, एक ऐसा कैच पकड़ लेगा कि पूरा मैच का पासा पलट जाता है। और ये जो इन्होंने करके दिखाया पहली इनिंग में, तो देखिए सिलेक्शन सही हो रहा है, मतलब बेस्ट अवेलेबल टीम थी मेरे ख्याल में, ठीक है लेकिन लड़कों से जो तवक्कात थी, जो खासतौर से स्पिनर्स से थी, वो पूरी नहीं हुई। आप सरप्राइज थे कि यासिर शाह ने पहली इनिंग में कोई विकेट ना ले सके वो, ऐसे ट्रैक। और दूसरी इनिंग में भी देखिए, एक होता है रन थ्रू करना, जैसे वो लड़के ने बिलाल आसिफ ने किया, 6 आउट कर दिया 36 रन पे। मोहम्मद अब्बास की तो जितनी तारीफ करें कम है, इन बिल्कुल डेड विकेट्स पे उसने पहले आउट किए 4, दूसरे उसने आपको दे दिया था, पूरा मौका दिया उसने 3 आउट करके शुरू में, के आपको ब्रेक थ्रू दिया और फिर काम था दूसरा। अच्छा। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि वो स्पिनर नहीं मिल रहे हैं, ये जो अब यासिर शाह ने दूसरी इनिंग में आउट किए 4, 114 रन दिए, तो ये रन थ्रू नहीं होता है, रन थ्रू वो होता है जो आसिफ, बिलाल आसिफ ने किया था। बिल्कुल सही बात है। आपको लगता है कि न्यू बॉल से भी हमारी कोई स्ट्रेटेजी नहीं? हमने देखा कि दोनों इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया को अच्छा आगाज मिला, और जैसे आपने भी कहा कि जो ये इनके ओपनर हैं वो ज़्यादातर T20 के माहिर बैट्समैन हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की वो दिखा के प्रिपेयर्ड थे, लेकिन हमारे बॉलर्स प्रिपेयर्ड नहीं थे कि कैसे हमने अर्ली ऑन विकेट। हमें वही प्लानिंग का फौदान था, इसलिए कि आपको नहीं पता कि ख्वाजा को किस तरफ खिलाना है, मिडिल ऑफ पे खिलाना है,
या किधर खिलाना है, या दूसरे प्लेयर को किस तरह, फिंच को किस तरफ खिलाना है। और फिर आप ये भी देखें, आप मुझसे मुत्तफिक होंगे कि इनके दो मेन प्लेयर तो आए नहीं है, बिल्कुल, जो स्टीव इनका कप्तान और वार्नर, जो कि बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन बैंड है वो, जाहिर है वो उसमें आपको अच्छी तरह पता है। तो वो ये भी देखें, उनकी टीम भी अभी मराहिल में है बनने के, रीबिल्डिंग फेज में, बिल्कुल सही बात। और हमारी भी अभी है, मगर हमारी कब तक चलेगी भाई, अभी काफी दिन हो गए। अब इनको मोहम्मद हफीज को सही लाया है ये लोग, मोहम्मद हफीज वाज अ गुड चॉइस। आपको लगता है कि मोहम्मद हफीज जो है उसकी बॉलिंग हमने कम करवाई, अगर ज्यादा कराते तो शायद और अच्छे रिजल्ट्स होते? बहुत सेलेक्टिव बॉलिंग ले नहीं रहते, रिस्क ले नहीं रहते, खुदा ना करे कहीं फिर एक्शन वो हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगी। सही बात। जब आसिफ है आपके पास, वो लड़का बिलाल आसिफ, तो जाहिर है दूसरी इनिंग में वो बात नहीं आ सकी, लेकिन यह है कि मेरे ख्याल में जो आप बात कर रहे हैं, मैं उससे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें कैंप्स लगाने पड़ेंगे ऑफ स्पिनर के, राइट आर्म लेग स्पिनर, अब्दुल कादिर जैसा अजीम स्पिनर आपके पास है उसको, उससे इस्तेफादा करें, इकबाल कासिम से इस्तेफादा करें, आप दूसरे सखलैन मुश्ताक को लाएँ। ये हैं वो हीरे जो आपको हीरे बना के दे सकते हैं। एब्सोल्युटली, वी विल गो फॉर अ ब्रेक ऑन दिस नोट, हम वापस आते हैं, सलाउद्दीन साहब से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन, हमारे साथ है सलाउद्दीन सल्लू साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हम स्पिनर्स की इंपॉर्टेंस पे बात कर रहे थे, बिकॉज हमने रिसेंटली देखा है कि आप साउथ अफ्रीका की बात कर लें, इंग्लैंड की बात कर लें, यूएई में तो है ही स्पिनर फ्रेंडली कंडीशंस सारी दुनिया में, और जहां हमें वर्ल्ड कप 2019 खेलना है, इंग्लैंड में भी देखा है हमने कि अगर आपके पास यूटिलिटी स्पिनर्स हों, आपके पास टॉप लाइन स्पिनर्स हों, तो बड़ा आसान होता है आपको दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट करना, रनस रोकना। लेकिन हम देख रहे हैं सलाउद्दीन साहब के, ना हम सकलैन मुश्ताक साहब की खिदमत लेते हैं, ना हम सही तरीके से मुश्ताक अहमद साहब की, ना हम तौसीफ़ अहमद साहब की, हम क्यों उनकी खिदमत नहीं लेते, जबकि पूरी दुनिया उन बॉलर्स की खिदमत लेके पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर जाते हैं। सकलैन मुश्ताक साहब को हमने देखा है कि अभी इंग्लैंड को कितना हेल्प कर रहे हैं, वो जीनियस है, ही इज़ अ जीनियस। मैंने खुद देखा जब हमारे दौर में सेलेक्ट हुए थे, वो दूसरा जो निकालते हैं वो जिस तरीके से बताता है आपको कि किस तरीके से गेम, मोइन अली को उन्होंने फ्रंट लाइन बॉलर बना दिया इंग्लैंड का। जी हाँ, आप देखिए वो एक वाजिबी, ही इज अ बेटर बैट्समैन देन अ बॉलर, मोइन अली, उसने नाउ ही हैज बिकम अ इवन बेटर, इसने 14 आउट किए अगेंस्ट इंडिया, और इंडियन सबसे अच्छा स्पिनर्स को खेलते हैं, वेरी ट्रू, क्योंकि उनके एक दौर में अब भी उनकी विकेट्स जो होती है अंडर प्रिपेयर्ड होती है, वो मतलब ये इसके रोल कम करते हैं, तो गेंद ग्रिप लेता है। तो आपको याद होगा पटौदी साहब चंद्रशेखर और बेदी से नया गेंद कराते थे, जी जी, ठीक है, सबसे पहले ये नया गेंद कराना शुरू किया वर्ल्ड कप में पटेल होते थे न्यूजीलैंड के, आपको याद होगा, दीपक पटेल, फिर वहां से दीपक पटेल, बिल्कुल सही है। तो वो ये जो आप बात कर रहे हैं कि हमें निकालना पड़ेंगे स्पिनर, उसके लिए मैं सबसे ज्यादा जो बिलीव करता हूँ, मैं सकता हूँ अब्दुल कादिर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान के कुछ प्लेयर्स को आप एनआईसी दे दे, वहीं से स्पिनर मिल सकते हैं। अब आप देखें उनका जो कप्तान था जिसका कैच छूट गया, शुएब मलिक का, अगर खुदा ना करे वो कैच हो जाता वो हम मुश्किल में पड़ जाते। हम तो एशिया कप में और ही, आप उनके कप्तान का वैसे देखें, जसामत देखें तो आपको क्रिकेटर नहीं लगेगा, लेकिन जैसे 122 रन उनके विकेट कीपर की बात करें, जी हाँ, उनके अफगानिस्तान के विकेट कीपर की, लेकिन सर वो कप्तान नहीं है अब तो अफगान, अच्छा वो दूसरा है, सॉरी कप्तान मैंने गलत, विकेट कीपर कहना चाह रहा था, तो विकेट कीपर इतना हैवी है, लेकिन उसने क्या शानदार इनिंग खेली है, और वाहिद मैं कहता हूं, अगर मैं समझता हूं कि चैंपियंस इस टूर्नामेंट में हुए तो वो अफगानी थे, उन्होंने हर टीम को मुश्किल टाइम दिया, टफ टाइम, ऐसा नहीं था आसानी से, कोई नहीं जीत सका उन्हें, बिल्कुल, बांग्लादेश भी 3 रन से जीता सर, लेकिन अफगानिस्तान क्या सही कर रहे हैं और हम क्या गलत कर रहे हैं जो हम स्पिनर्स नहीं तलाश कर पा रहे और उनके पास इतने क्वालिटी स्पिनर्स आ रहे हैं, और वो पूरी दुनिया, हमने राशिद खान को देखा है, हमने मुजीब जो उनका है बड़े आउट क्लास स्पिनर है, सो वो क्या चीजें सही कर रहे हैं और हम क्या चीजें गलत कर रहे हैं? मेरे ख्याल में वो राइट आर्म लेग स्पिनर जो है उसने बड़ी मेहनत की है और सीखे क्रिकेट यहीं से और इंडिया से है सर, लेकिन आप तो सर इतना अरसा कराची के साथ मुंसलिक रहे हैं, यहाँ आपको नहीं लगता कि प्लेयर्स मेहनतें करते हैं कराची में और करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखे तीन चीजें ईमानदारी की बात बताऊं, जब मैं आई टुक ओवर इन 86 तो 12 साल नहीं जीती थी कराची, तो मैंने 9 लड़के निकाल दिए थे, ईमानदारी की बात बताऊं, मुझ पर जिस किस्म का प्रेशर आया था वो मैं ही जानता हूँ, समझ सकते, लेकिन ये है कि इकबाल कासिम को कप्तान किया, उसने कायदे आजम ट्रॉफी, पैटर्स ट्रॉफी, अंडर 19 तीनों दे दिए। अच्छा उस वक्त हमारे पास हारिस खान ऑफ स्पिनर थे और लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर नदीम खान था, दोनों ने हमें बेहतरीन वो करके दिए, और उसके साथ एक बलोच लड़का होता था वो फेड आउट हो गया, उसने बड़े आउट किए थे, सही है। फिर मुइन खान 6 साल कप्तानी की और 6 के 6 साल उसने कौमी चैंपियन रखा, क्या बात। तो मुइन खान एक ऐसा प्लेयर है कि जिसको क्रिकेटर भी बहुत अच्छा है और क्रिकेट की समझ भी बहुत है, तो ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए जो आपको गाइड कर सकें सही तरीके पे।
तो अगर आप अच्छी टीम देंगे इससे अच्छी क्या टीम बनेगी। और सर जी आपको लगता है कि हम चीफ सेलेक्टर हमारे इंजमामुल हक साहब हैं, 100+ टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के लिए खेले हैं और हमारी उम्मीदें उनसे बहुत ज़्यादा हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी सेक्रीफाइसेस की हैं, वो अफगानिस्तान की कोचिंग छोड़ के यहाँ पे आए, लेकिन जो पिछले 1-1.5 साल से हम चीज़ें देख रहे हैं उसमें जिस तरह कोच टीम को जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं वो कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उनका ये रहा है, शेन वॉटसन जैसे प्लेयर के साथ उनके रिफ्ट रहे हैं, सो आपको लगता है कि कप्तान और जो आपके चीफ सेलेक्टर हैं उनकी तरफ से कुछ स्टैंड होना चाहिए और चीज़ें बेहतर होनी चाहिए? देखिए, और कोच पे प्रेशर जाना चाहिए कि भाई वी आर द फाइनल डिसीजन मेकर्स। देखिए, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में जैसे था वो इंतजाम के भी होगा कि फाइनल सिलेक्शन लाइज विद द सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। Absolutely. अब जैसे मोहम्मद हफीज़ पे मुझे पता चला कि कोच साहब नहीं चाहते थे, इंतजाम ने दबाव डाला तब वो, और कप्तान ने भी कहा और गुड डिसीजन। तो अभी तक जो टीमें सेलेक्ट हुई हैं और जिसको नए लड़के किया, जैसे इमामुल हक पे कितना हंगामा हुआ कि नेपोटिज्म हो रहा है, लेकिन उसने अपने स्कोर करके उन नाकदीन के मुंह बंद कर दिए। सर, मैं स्लाइटली डिसएग्री करूंगा क्योंकि नेपोटिज्म तो फिर भी है, आप बहुत सारे समी असलम हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, वो क्यों बाहर हो जाते हैं? अब आप इमामुल हक को अचानक से पिक्चर में लाते हैं, उनको सारे फॉर्मेट्स खिलाना शुरू करते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस हैं लेकिन ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं है कि वो शान मसूद को हटा के वो टीम का हिस्सा बन जाए। के भी काफी रन है डोमेस्टिक में, आपने देखा 500, तो आपको उसको भी तो ऑनर करना है, उसको भी देखना है। और फिर जैसे आप टेस्ट क्रिकेट में इसको लेके आए फखर जमान को जी, तो इसको अडॉप्ट करना चाहिए था, उसकी मिसाल फिंच से ले लें आप। वेरी ट्रू, वो भी ओपनर है और सर, लेकिन उसने अपने आपको अप्लाई किया, आते ही शॉट्स खेलना शुरू नहीं कर दिए। आपको लगता है फखर जमान शायद टीम के लिए अच्छा हिस्सा बन सकते हैं? बिकॉज आपके सारे प्लेयर्स एक ही तरह खेलते हैं, आपके आपको थोड़ी सी वैरायटी चाहिए अपनी बैटिंग में, अगर एक प्लेयर होगा जो थोड़ा तेज खेलता होगा तो आपके रिजल्ट्स आएंगे। मैं उसकी दो मिसालें दूं आपको कि एक सईद अनवर साहब थे वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, तो इन पे एक ठप्पा लगा दिया गया था कि ये सिर्फ वनडे के प्लेयर हैं, उसके मफादात थे क्योंकि दूसरों को दूसरे को सिलेक्ट करना था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, मगर हम जब आए तो हमने इनको खिलाया और आप देख लें उसके टेस्ट का परफॉर्मेंस। शाहिद आफरीदी के ऊपर ठप्पा लगा दिया गया ओडीआई है, ठीक है, फिर ये गया इंडिया, इसने 144 रन किए चेन्नई में, आपको गौर किया, बिल्कुल सही। तो कुछ ऐसे होते हैं, वो मैं आपको एक टेक्निकल बात बताऊं कि प्रेशर से निकलते हैं स्ट्राइक करके, अटैक करके, वो है वेस्ट इंडियंस 64-5 हो जाएंगे लेकिन वो अपना गेम खेलेंगे। कुछ नजिंग करके निकलते हैं, वो साउथ एशियन में है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है कि 60 पे 5 आउट हो गए तो दे कैप्ट देयर हेड डाउन, दे कीप देयर हेड डाउन और उससे 1-2-1-2 करके उस प्रेशर से निकलते हैं। तो ये टेक्निक का फर्क है कि गॉर्डन ग्रीनिज होते थे, उनको 5 दिन के मैच में पहली गेंद मिलती थी बाहर, कट मार देते थे, वही जेफ बॉयकॉट को, सुनील गवास्कर को या हनीफ मोहम्मद को मिलती थी तो उसको छोड़ते रहते थे, वो पिच का पेस देखते थे। तो ये फ़र्क है। ये सर गैरी सोबर्स एक मरता है, बहुत कम आते थे, उन्होंने ये बात की आके, उन्होंने कहा भाई जब तक आप शॉट नहीं खेलोगे वो लाइन क्यों चेंज करेगा? सही बात, आप जब शॉट खेलेंगे तब लाइन शॉट ऑपोजिशन अंडर प्रेशर, उसको थोड़ा सा जब तक स्ट्राइक नहीं करेंगे। हमें हमारी टीम में तो इस बार बिल्कुल नहीं दिखा कि हम कुछ भी कोई इनिशिएटिव लेने वाले। अच्छा सलाउद्दीन साहब, अगर हम, बिकॉज हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है, हमें ज़रूरी है कि अब हम यहाँ से सीखें और हम आगे मूव ऑन करें, और हमें पता है कि हमारे कप्तान में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ही कैन टर्न द टाइड्स राउंड और वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और टीम को लेके चल सकते हैं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके कॉम्बिनेशन क्या होगा। अब आपके इमामुल हक इंजर्ड हैं, आपको क्या लगता है कि ओपनिंग में हम अजहर अली को ला के उस्मान सलाउद्दीन को खिलाएंगे, या आपको लगता है कि हम फखर जमान को लाएंगे? फखर जमान को मैं समझता हूँ कि अटैकिंग, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस कहते हैं ना, लाना चाहिए। और दूसरी ये अज़्म हौसला जरूरी ये है कि फिर हम किस्मत को दोष देते हैं। हाँ, तो बहुत सारे लोग इसमें तो ये मैं कहूंगा कि इस मैच पे खासतौर से हाँ। न शाखे गुल ही ऊंची थी, न दीवारें चमन बुलबुल, तेरी किस्मत की कोताही, तेरी हिम्मत की पस्ती थी, हिम्मतें पस्त हो गई थी। आपने आखिर में बॉडी लैंग्वेज देखी थी तो हाँ। इसको हौसला अफजाई करेगा मेरे ख्याल में ये सरफराज, और फिर से टीम आगे आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बॉलिंग की बात करें, आपको क्या चेंजेस दिखती है? आपको लगता है कि हमें पता है कि शादाब तो इंजर्ड है, He can't be with the team. आपको वहाब रियाज हमने देखा कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, कप्तान का भी उन पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो तो रेस्ट करेंगे, या आपको लगता है कि वो खेल सकते हैं? शादाब, देखिए ये ग्रोइन इंजरी एक ऐसी होती है, टेक्स टाइम। सही, अब पता नहीं, अगर वो नहीं खेलते तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है मैं गलत हूँ कि ये अजहर अली जो है ये बड़ी अच्छी राइट आर्म लेग स्पिनर, ये आए एज अ बॉलर आए थे और इतने दिन हो गए, ट्राई नहीं किया। मैं तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन शादाब ने अभी तक सीखा नहीं, मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रहा। सर हीरो बन गए ना, ओवरनाइट सुपरस्टार। जैसे सखलैन को बताया था मैंने, मैंने बात रह गई थी कि जब तुम स्टार्ट लो, तुम्हारा 5 गज का स्टार्ट है, 4 के बाद गेंद छोड़ दो, अभी बैट्समैन वेट कर रहा है
कि ये आएगा क्रॉस करेगा लाइन को एम्पायर के पास, फिर गेंद करेगा, जब एक कदम पहले छोड़ दोगे तो उसका आपने कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी देर के लिए हिला दिया, वही चीज़ काम की। फिर मुझे सखलान ने बताया कि सर मैंने सरे में इतने आउट किए, वो वेट ही करते रहते थे कि अभी मैं आके गेंद करूंगा। ये छोटी छोटी चीज़ें, कभी कभी जब गेंद बाहर निकालनी है तो स्टंप के करीब से करते हैं, जब गेंद ज़्यादा टर्न करनी है बिल्कुल एज ऑफ द क्रीज करते हैं, कभी बीच से कर देते हैं, कभी पहले गेंद करते हैं। तो ये चीज़ें हम, मेरा काम नहीं है, बॉलिंग कोच का काम है, ये अज़हर महमूद का काम है कि ये करें, लेकिन ये उस पर पूरे नहीं उतर रहे तवक्कुआत पे। तो ये भी बोर्ड को सोचना, आपको लगता है सर बाबर आजम 16 मैचेस नो सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट, और आपको लगता है कि उनकी जगह उस्मान सलाउद्दीन को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आप एक मतलब आप यू आर जस्ट गोइंग विद द थिंग कि आपको बाबर को खिलाना ही खिलाना है, आपने हालांकि उसको छठे नंबर पे खिला के भी टीम में रखा, तो आपको लगता है कि एक ज्यादा फिट प्लेयर उस्मान। देखिए अभी तक हमें जैसे ज़हीर अब्बास साहब थे या यूसुफ खान थे, हमें नंबर 3 का भी प्लेयर नहीं मिला, हमें अभी ओपनिंग जोड़ी भी नहीं मिली, ईमानदारी की बात ये, क्योंकि ये दो तीनों पोजीशन इतनी अहम है फैसल साहब के, आपको फाउंडेशन अच्छी मिल जाए तो नीचे ड्रेसिंग रूम का माहौल एक तो रिलैक्स कर जाता है बिल्कुल, और दूसरा आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि नंबर 3 पे भी हम, मेरा ख्याल था कि ये जम जाएंगे बाबर आजम, बाबर आजम को छठे पे भेजें, लेकिन हाँ मगर फिर जब बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हैं तो कॉन्फिडेंस ज़रा शेक हो जाता है। सही, जैसे सईद अहमद पहले थे, उसके बाद ज़हीर अब्बास एक अरसे तक खेलते रहे, नंबर 3 की पोजीशन बड़ी अहम होती है, जैसे विव रिचर्ड खेलते थे वेस्ट इंडीज से, माइक पॉन्टिंग खेलते थे ऑस्ट्रेलिया से, कोई भी टीम हो, बांग्लादेश की टीम हो, साउथ अफ्रीका की टीम हो, वो वही नंबर पे खेलेंगे, चाहे कैसी विकेट हो, कैसी कंडीशंस हो। सर हमने देखा कि हफीज़ ने डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दी, 200 रन किए, टेस्ट में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, हमने देखा कि जो डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दी, वहाब रियाज की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, अजहर अली की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो टेस्ट क्रिकेट में भी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। सो लेकिन शान मसूद की, जैसे आप शान मसूद की, लेकिन वो टीम का ऐसा नहीं बन पाते। सो सर ये कितना ज़रूरी है कि आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेज को यू नो क्रेडिबल करें और उसकी बेसिस पे लोगों को जगह। बहुत अहम है ये, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और कहूंगा सिलेक्शन कमेटी से, शो का हमारा वक्त खत्म हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन विद यू इन द फ्यूचर शोज, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया मधु करने का, थैंक यू सर। व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो अपना सेकंड टेस्ट मैच है और सीरीज का आखिरी मैच है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दे, और हमारे पास होपफुली अच्छी चीज़ें हों पाकिस्तान को डिस्कस करने के लिए, और जो क्रिटिसिज्म होता है वो इसीलिए होता है जब परफॉर्मेंस गलत होती है, क्या कहते हैं सर योर लास्ट पॉइंट? हाँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सरराज ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, बिल्कुल, और नेक्स्ट मैच में पाकिस्तान विल बी अ डिफरेंट टीम, वो इनसे इस्तेफादा करेगी, और वहाँ भी बैटिंग विकेट है ज़ाहिर है अबू धाबी में, तो देखते हैं। होपिंग फॉर अ गुड मैच फॉर पाकिस्तान, कीप वॉचिंग आवर शो, विल सी यू नेक्स्ट वीक।